अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर समीला रमज़ान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि हम पीएचडी और जेईई के हवाले से तैयारी कर रहे हैं और मैं आपके साथ जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सिंधी की वीडियोस शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोस आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और जैसे कि आपकी वोटिंग के हवाले से मैंने अभी क्लास 4 स्टार्ट किया है, क्योंकि क्लास 4 को वोट ज़्यादा मिले थे। तो आज हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और यहाँ पर हमें जो है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग HCF। यहाँ पर HCF जो है उसके थ्रू जो है हम रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। अभी एग्जांपल है यहाँ पे, टू वायर्स विथ लेंथ ऑफ 48 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ सेम लेंथ। यहाँ पे हमारे पास दो वायर्स हैं, एक है 48 सेंटीमीटर की और दूसरी है 64 सेंटीमीटर की। इन दोनों को हमें जो है ऐसे पीसेस में कट करना है कि सबके पीसेस जो हों वो सेम लेंथ में हों। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द पीसेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अगर किसी भी मिनिमम यानी कि छोटी लीस्ट नंबर की बात आए, या फिर लोअर नंबर की बात आए, या फिर मिनिमम नंबर की बात आए छोटे नंबर की, तो वहाँ पर हम जो है एलसीएम फाइंड करेंगे। और अगर हमारे हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट नंबर की बात आए या फिर इक्वल की बराबर पीसेस की बात आए, तो वहाँ पे हम HCF फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें HCF जो है वो समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं दोबारा ये इसको रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ दी पीसेस, हमें जो है उसकी इक्वल जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ चाहिए, जो जिससे हम जो है 48 और 64 के इक्वल पार्ट्स करें तो सब वो इक्वली बन जाए आपस में। सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ लेंथ इन विच ईच ऑफ वायर कैन बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ ईच वायर। वी विल हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 64। तो हमें जो है ऐसी ऐसा नंबर जो है वो फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ लेंथ, ऐसी ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड करनी है इन विच ईच ऑफ वायर, जिससे हमारी ईच वायर कैन बी डिवाइडेड डिवाइड हो जाए। इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, हम जो है पॉसिबल लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें जो HCF जो है वो फाइंड करनी होगी। तो अभी नीचे HCF का तरीक़ेकार यहाँ पर लिखा हुआ है। HCF फाइंड करने के लिए हमें जो है दोनों के फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला हम रखेंगे 48 सेंटीमीटर की जो वायर है वो नंबर यहाँ पे रखेंगे 48, और यहाँ पे 64। तो मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ इस तरीक़ेकार को, तो आप ये ऑटोमेटिक जो है वो समझ जाएंगे। तो अभी इसमें हमें करना ये है कि यहाँ पे देखें, नंबर हमारे पास है 48, ठीक है। तो वैसे तो 8 जो है, 48 8 जो हमारा है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मतलब है कि हमारी इस पे 2 की टेबल लगेगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि इस पे 2 की टेबल जो है वो लगेगी या नहीं लगेगी, तो फिर आपको क्या करना है, दोनों नंबर को प्लस करना है। अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे 4 8 को, तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12 पे हमारी 2 की टेबल लगेगी, ठीक है। 12 पे हमारी 3 की भी टेबल लगेगी, 4 की भी लगेगी, 6 की भी लगेगी, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर यानी कि 2 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है 2 की टेबल, क्योंकि ये इसका रूल है एलसीएम और HCF में। तो अभी हम यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल यहाँ पे 24 टाइम लगेगी, क्योंकि 2 की टेबल आप 4 पे लगाएंगे, 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर। और 8 पे लगाएंगे तो 4 2 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 24 आ गया। उसके बाद 24 पे भी हमारी 2 की टेबल जो है वो लगेगी, तो 2 की टेबल यहाँ पे लगाएंगे, 12 टाइम लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है 12 पे भी हमारी 2 की टेबल लगेगी और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। और 6 पे भी हमारी 2 की टेबल लगेगी, 3 टाइम लगेगी, 3 2 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो अभी देखें, यहाँ पे हमारा जो है ऑड नंबर आ गया है 3, तो ऑड नंबर पे हमारी जो है वो टेबल नहीं लग रही 2 की, तो यहाँ पे हम 3 की टेबल लगाएंगे, ठीक है। इसमें एलसीएम और HCF में आपका रूल ये है कि सबसे पहले छोटे नंबर से आप जो है स्टार्ट करेंगे, अगर वो छोटा नंबर उसकी टेबल वहाँ पे नहीं लगेगी तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसकी टेबल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 की टेबल लगाएंगे, 3 की टेबल 1 टाइम लगेगी।
तो इसके फैक्टर सी वाले बन गए। अभी आप जो है 64 को जो है सेम तरीके से जैसे मैंने इसको जो है इसके फैक्टर्स निकाले वैसे ही आपको सेम तरीके से करने हैं। 64/2 की टेबल 32 टाइम, फिर 32/2 की टेबल 16 टाइम, फिर 16/2 की टेबल 8 टाइम, फिर 8/2 की टेबल 4 टाइम, और 4/2 की टेबल 2 टाइम, और लास्ट में जो है 2/2 की टेबल 1 टाइम। तो इसके भी फैक्टर्स यहाँ पे बन गए। तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे 48 के फैक्टर्स जो बनेंगे वो सामने रखेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स कितने बने, 1, 2, 3, 4, 2 जो है 4 टाइम, 2 हम यहाँ पे 4 टाइम रखेंगे, 1, 2, 3, 4, उसके बाद लास्ट में 3, 3 आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद में जो है आप 64 के भी फैक्टर्स नीचे रखेंगे। ये देखें 64 के फैक्टर्स हैं 2, 2, यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम है, तो यहाँ पे आप 6 टाइम जो है वो 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेम नंबर मतलब टू पेयर्स, सेम नंबर के जो पेयर्स बनेंगे, सॉरी पेयर जो है हम कहते हैं टू नंबर्स को, यानी कि वन पेयर, सेम नंबर के जो पेयर बनेंगे, ठीक है। कैसे, अभी देखें यहाँ पे इसका जो है सेम नंबर का पेयर बन रहा है, ये देखें टू, तो यहाँ पे दो नंबर का पेयर बना के आप वहाँ पे एक नंबर यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से दो नंबर का पेयर बनेगा तो उसको हम एक करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें दूसरा पेयर बन रहा है और ये नंबर भी आप नीचे लिखेंगे टू, 2 × 2। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पेयर भी बन रहा है तो ये नंबर भी आप यहाँ पे रखेंगे 2 × 2। और तीसरा चौथा देखेंगे क्या, चौथा पेयर भी बन रहा है, जी हाँ चौथा पेयर भी यहाँ पे बन रहा है, तो चौथा पेयर भी आप यहाँ से जो है उसका एक नंबर लेंगे 2। तो उसके बाद देखें पेयर नहीं बन रहा 3 और 2। अब आप जो है इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे जो होगा वो गलत हो जाएगा, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे पेयर नहीं बनाएंगे, ये हमारा जो है वो गलत तरीका है, तो ऐसे हमारा पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको बात जो है वो जहन में रखनी है, ये वाला पेयर ऐसे नहीं बनेगा, पेयर हमेशा जो है वो ऐसे बनता है इस तरीके से, वैसे नहीं बनता। यहाँ पे पेयर है नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऊपर 3 लिखा हुआ है नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा पेयर जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे कितने पेयर बन गए, 4, 2 यहाँ पे हम रखेंगे 2, ये वाला पेयर दूसरा यहाँ पे हम रखेंगे 2, ये तीसरा यहाँ पे हम रखेंगे 3, 3 टाइम 2 रखेंगे, और ये हमारा चौथा पेयर, तो यहाँ पे आप रखेंगे 2, तो 4 टाइम यहाँ पे 2 रखेंगे। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 to the 8, यहाँ पे आंसर आ गया आपका 8। उसके बाद 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 to the 16, लास्ट में आपका आंसर जो आ गया वो 16। तो आपकी जो HCF बन गई वो हो गई 16। हैंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वायर शुड बी 16 सेंटीमीटर इन विच ईच वायर कुड बी कट इक्वली। हमारे पास यहाँ पे जो है वायर की लेंथ जो होगी इक्वल वो होगी 16 सेंटीमीटर, जिससे हम दोनों वायर्स के पीसेस जो हैं वो बराबर में काट सकते हैं। कैसे, देर आर 3 कंपनीज, कैसे ऊपर देखें, कैसे ऊपर देखें, यहाँ पे 48 नंबर है तो हमारा नीचे नंबर कौन सा बना, HCF हमारी कौन सी बनी 16। तो 16 आप अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 3 टाइम तो आपका आंसर आ जाएगा 48, और 64 अगर आप 64 को करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 4 टाइम टेबल लगेगी, 4 टाइम पे आपका आंसर जो आ जाएगा 64। तो इसकी HCF जो हो गई वो हो गई 16। तो अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, देयर आर 3 कंपनीज ऑफ 80, 112 एंड 144 स्काउट्स इन ए स्कूल। 3 कंपनीज हैं जिसमें एक में स्काउट्स हैं 80, दूसरे में है 112 और तीसरे में है 144 स्काउट्स स्कूल के। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्काउट्स इन व्हिच ईच टीम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब इनमें से हमें जो है वो स्काउट्स है वो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हम टीम बनाए तो टीम के मेंबर जो है वो बराबर में बंट जाए वहाँ पे। तो कोई भी ऐसा ना हो कि अगर हम टीम बनाते हैं कि एक टीम के मेंबर जो हो वो 9 हो, दूसरी टीम के मेंबर जो हो वो 11 हो, तो ऐसा ना हो। हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें टीम के जो मेंबर हो वो बराबर में बंट जाएं। तो इसकी भी हमें जो है वो HCF फाइंड करनी है, क्योंकि हम HCF के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी नीचे जो है हम यहाँ पे ये देखें 3 नंबर है, ऊपर हमने सीखा वहाँ पे 2 नंबर थे, अभी नीचे यहाँ पे ये देखें 3 नंबर है, इन तीनों के हमें जो है वो फैक्टर्स निकाले हैं अलग अलग। यहाँ पे ये देखें सबसे पहले हम 80 के फैक्टर्स निकालेंगे, 80 हमारा जो है वो इवन नंबर है तो इस पर 2 की टेबल लगेगी 40 टाइम,
और उसके बाद जो है 40 भी हमारा इवन नंबर है, तो इस पे 2 की डबल लगेगी 20 टाइम, और 20 पे 2 की डबल लगेगी 10 टाइम, 10 पे 2 की डबल लगेगी 5 टाइम, और 5 जो है हमारा ऑड नंबर है, तो इस पे देखें 2 की डबल नहीं लगेगी। 2 के बाद हमारा नंबर जो है वो 3 है, 3 की डबल भी इस पे नहीं लगेगी। उसके बाद जो हमारा नंबर है वो है 4, 4 की डबल भी यहाँ पे नहीं लगेगी। तो उसके बाद जो हमारा नंबर है वो है 5, तो 5 की डबल इस पे लगेगी 1 टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही आगे हमारा जो है 112, 112 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये देखें 112 2 की डबल लगाएंगे आप सबसे पहले। अगर आप जो है 8 होल एक साथ डबल नहीं लगा सकते, इस पे आसानी नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है, तो इसको आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 2 की डबल आप 11 पे लगाएंगे, 2 की डबल 11 पे लगाएंगे तो 5 टाइम लगेगी, 5 टू दी 10। तो यहाँ से एक हमारा जो है वो रिमाइंडर बचेगा, वो एक आप यहाँ पे दे देंगे, हो जाएंगे 12। तो 12 पे आप 2 की डबल लगाएंगे 6 टाइम, तो यहाँ पे ये देखें टेबल आसानी से लग गई, ठीक है। उसके बाद 56 पे भी टेबल आप लगाएंगे 2 की, 2 की डबल आप यहाँ पे लगाएंगे, 2 की डबल यहाँ पे लगेगी 28 टाइम, ठीक है। यहाँ पे 2 टू दी 4 रिमाइंडर हो गया 1, 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 8 की डबल लगेगी 16 पे जो है वो 8 टाइम डबल लगेगी 2 की, 8 टू दी 16, तो यहाँ पे 28 टाइम जो है डबल लगेगी। उसके बाद 28 पे 2 की डबल लगेगी 14 टाइम, उसके बाद जो है 2 की डबल 14 पे लगेगी 7 टाइम, और 7 जैसे कि हमारा जो है आठ नंबर है, तो इस पे जो है 7 की डबल ही लगेगी, दूसरी कोई डबल नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे ही आप आगे जो है 144 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 144 के फैक्टर्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स अलग अलग रखेंगे यहाँ पे, ये देखें अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे रखेंगे। ये देखें 80 के फैक्टर्स सामने, ये देखें 2 हमारा 3 टाइम है, 2 हमने 3 टाइम यहाँ पे, सॉरी 2 हमारे 4 टाइम है, तो 2 हमने 4 टाइम यहाँ पे रखा, और लास्ट में 5 है, ये 5 भी यहाँ पे रखा। और 112 के जो फैक्टर्स हैं उसमें भी 2 हमारे जो है 4 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम मैंने रखा, और लास्ट में हमारा हो गया 7। उसके बाद जो है 2 के 144 के फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 जो है हमारे 4 टाइम है, 4 टाइम रखा, और लास्ट में 3 जो है वो 2 टाइम है, वो 3 भी 2 टाइम मैंने रखा। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में समझाया कि अभी यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर में हमें क्या करना है, अगर तीनों नंबर में वो सेम नंबर होगा तो उससे हम जो है एक नंबर पिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे सेम नंबर है 2, तो इसको हम 2 यहाँ से पिक करेंगे, 2 हम यहाँ से उठाएंगे, वो नीचे रखेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे भी ये देखें तीनों नंबर में 2 हमारा है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ से भी 2 लेंगे, दूसरा यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से भी ये देखें हम 2 हैं तीनों में, यहाँ से भी हम 2 लेंगे और यहाँ पे रखेंगे तीसरा। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा ये देखें तीनों नंबर में 2 है सेम, तो यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें ये मैचिंग में नहीं है, और यहाँ पे 3 जो है 2 टाइम है, लेकिन ये हमारा इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा जो है वो हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल में नहीं है, वर्टिकल में जो होगा वो हम पिक करेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ये हम यहाँ से पिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें जो है वो ये हमारा रॉन्ग मेथड हो गया, मैं इसको यहाँ पे जो है वो गलत का निशान जो है गलत की सिंबल दे दूँ, ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग मेथड हो गया, इसको हमें नहीं लेना है। तो ये देखें 4 टाइम हमने 2 लिया, यहाँ पे 4 टाइम 2 हमने लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी 4, 4 टू दी 8, 8 टू दी 16। तो इनके जो फैक्टर्स बन गए वो बन गए फैक्टर्स, इनके जो इनका जो फैक्टर निकला, इनकी जो HCF निकली वो निकली 16। तो इन तीनों के जो इक्वल हम जो टीम बनाएंगे वो 16 स्काउट्स की बनाएंगे। ये देखें टीम में 80 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे जो है 112 मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो है 144 मेंबर्स हैं। अगर आप 80 को जो है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम यहाँ पे टेबल लगेगी, ऐसे ही अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी टेबल इक्वली जो है कैंडिडेट जो है यहाँ पे बन जाएंगे स्टूडेंट्स, जिससे आप जो है स्काउट्स की टीम बना सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये नीचे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है, ये देखें ये यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 2.6 है, ये देखें व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग विच हेदर कैन डिस्ट्रीब्यूट 36 स्वीट्स एंड 48 जेली टू डिवाइड देम इक्वली, ठीक है। हमें ऐसा जो है मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है जिसको हैदर जो है
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ट्रॉफीज स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो है जेलीज भी इक्वली 48 जेलीज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर सिखा दिया है, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। और दूसरा भी यहाँ पे ये देखें, दूसरा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स इन विच 18 बुक्स ऑफ साइंस आर, 24 बुक्स ऑफ मैथ्स आर, 36 बुक्स ऑफ इंग्लिश कैन बी अरेंज इक्वली, ठीक है। हमें जो है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें जो है ये साइंस की बुक्स, मैथ्स की बुक्स और इंग्लिश की बुक्स जो है वो इक्वली अरेंज हो जाएं, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है टू रिबन्स, ये देखें ये दूसरों ये जो एग्जांपल्स हैं इनके फैक्टर्स निकलेंगे, इनकी जो है एचसीएफ फाइंड करनी है हमें। मैं आपको ऊपर जो है पहले ही सिखा चुका हूँ, तो आप ऐसे ही सेम तरीके से इनकी एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारी जो है फोर क्लास की बुक है, उसकी एक्सरसाइज है 2.6, उसका पेज नंबर है 38। अगर आपके पास पीडीएफ में बुक अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में बुक अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास ये बुक अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको ये बुक जो है वो पीडीएफ में सेंड करूँगा, ठीक है। ये देखें ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये नीचे ये सारी एक्सरसाइजेज आपको खुद को करनी है, और फिर कमेंट में मुझे बताना है कि आपने एक्सरसाइजेज कैसे परफॉर्म की, कि आपकी एक्सरसाइज का आंसर जो है वो सही जो है निकला या फिर गलत निकला, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।